हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और मेरे साथ है दिवस शुक्ला। दिवस बेसिकली एमपी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इन्होंने दिसंबर 2023 अटेम्प में सीए में क्वालिफाई किया है और इनका अभी सिलेक्शन ऑफ कैंपस में एमनिल फार्मास्यूटिकल्स में अहमदाबाद में हुआ है। और काफ़ी अच्छा पैकेज ऑफ कैंपस में इन्हें मिला है, मोर देन 7 to 8 LPA मैं कह सकता हूँ कम से कम इनको जो पैकेज ऑफ कैंपस में मिला है। तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर कैंपस में जॉब नहीं हुई तो क्या वहाँ से कैरियर स्टॉप हो जाएगा। इसलिए मैंने दिवस को इनवाइट किया कि आप आओ हमारे चैनल पे, अपनी जर्नी आप हमारे साथ शेयर करो, जिससे स्टूडेंट्स को और भी आइडिया लगे कि ऑफ कैंपस में भी सीएमए के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है। तो हाय दिवस, कैसे हो आप? हाय सर, मैं बढ़िया हूँ। सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ एंड थैंक्स कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी एंड प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म टू शेयर माय सीएमए जर्नी। ग्रेट। सो अभी आपका जब सिलेक्शन हुआ ऑफ कैंपस में, इवन मुझे मालूम है आपके पास कुछ और भी ऑफर्स आपको मिले थे, तो आपको कैसा यस फील सर, हो रहा है आफ्टर ज्वाइनिंग योर फर्स्ट कंपनी इन अहमदाबाद? आई थिंक आप फर्स्ट टाइम अहमदाबाद गए हो। यस सर, मैं अहमदाबाद फर्स्ट टाइम आया और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और कंपनी भी काफ़ी अच्छी है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मेरे पास जब सिलेक्शन हुआ था तो मेरे पास तीन कंपनी के ऑफर आए थे, आईपीसीए लेबोरेटरीज, एचएनआई और एमनिल, तीनों से ऑफर आए थे। फिर आई डिसाइडेड टू मुझे यहाँ इसका जॉब डिस्क्रिप्शन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, सो आई ज्वाइन एमनिल। ओके, ग्रेट। सो आपका जो यस सर, कैंपस नहीं हुआ, फिर आप ऑफ कैंपस में आप गए थे, कैंपस में क्या शॉर्टलिस्टिंग आई थी आपके पास? यस सर, कैंपस में मेरा एसेंचर से आया था शॉर्टलिस्टिंग, और बाकी नाफेड तो ओपन ही था सभी के लिए, तो नाफेड का दिया था और टेक महिंद्रा का इंटरव्यू दिया था मैंने कैंपस प्लेसमेंट में। ओके। और फिर आपने ऑफ कैंपस में यहाँ पे आप इन तीन कंपनीज में आपने इंटरव्यू दिया। हाँ सर, ऑफ कैंपस में यहाँ पे दिया था। ओके, ग्रेट। अच्छा, आपको जो मैंने मेंटरशिप दी अपने कैंपस प्लस ऑफ कैंपस के लिए, वो आपको कितना हेल्प किया आपके जॉब इंटरव्यूज के लिए? यस सर, सर एग्जाम क्लियर करने के बाद मेरे फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड करा था आपका क्लासेस लेने का, और उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सबसे पहले तो सीवी अपलोड करना होता है रिजल्ट के बाद ही, तुरंत बाद ही इंस्टीट्यूट की साइट पे, तो सीवी कैसे प्रिपेयर करना है वो कुछ आइडिया नहीं था, उसके लिए हेल्प हुई। उसके बाद जब इंटरव्यू होता है उससे पहले ग्रुप डिस्कशन, रिटर्न और फिर पर्सनल इंटरव्यू, तीनों के लिए आपके उससे हेल्प हुई। और सबसे बड़ा, अगर आप मुझे स्टार्टिंग से ये था कि मुझे कॉस्टिंग प्रोफाइल में ही जाना है, तो कॉस्टिंग प्रोफाइल के लिए टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है वो किसी को पता ही नहीं होता है कि क्या इंटरव्यू में पूछेंगे। जो आपकी एक कॉस्टिंग के लिए स्पेसिफिकली जो बुक थी उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई, पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थी, कॉस्टिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट है उससे क्लियर हो गए थे। तो मुझे कॉस्टिंग के लिए इंटरव्यू मेरे सारे क्लियर हो जाते थे जिस भी कंपनी में दूँ, तो क्योंकि विद एग्जाम्पल हर कॉन्सेप्ट उसमें दिया हुआ है काफी अच्छे से, तो एक क्लैरिटी आ जाती है उससे। ग्रेट। अच्छा, जो मैंने आपका मॉक इंटरव्यू, 1-to-1 ये सब चीज़ें भी की, वो भी काफ़ी अच्छा रहा आपके लिए, आपको पता चला? यस सर, मॉक इंटरव्यू, एक हम अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं कि एक घबरा जाते हैं कि इंटरव्यू फेस करने से कि क्या पूछेंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो मॉक इंटरव्यू से भी काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प हुई और एक कॉन्फिडेंस आया, और उस टाइम पे जो कमियां थी तो वो उस टाइम पे आपकी गाइडेंस से वो भी इम्प्रूव कर लिए थे, सो दैट इंटरव्यू में उतना प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अच्छा, कभी आपको किसी पॉइंट पे ये आपको लगा कि यार मेरा कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ऑफ कैंपस में क्या होगा और मुझे अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? फैमिली का भी होता है कि मेरा बच्चा अब सीएमए बन चुका है तो उसकी एक अच्छी सर, जॉब होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ सिनेरियो आए थे आपके लाइफ में? ऐसा तो मैंने सोच के रखा था कि कैंपस में अगर नहीं हुआ तो ऑफ कैंपस भी हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने नौकरी प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल सब कुछ अपडेट कराए हुए थे, तो कैंपस के पहले से ही मैंने अपना डेली नौकरी प्रोफाइल अपडेट करके ही रात में सोता था, तो मुझे सुबह से नेक्स्ट डे से कॉल आने शुरू हो जाते थे, तो इंटरव्यू के लिए कॉल आ रहे थे तो कभी ऐसा फियर नहीं हुआ कि जॉब नहीं राइट, लगेगी, इतना कॉन्फिडेंट तो था कि कहीं ना कहीं जरूर अच्छी जगह हो जाएगा सिलेक्शन। ओके। अच्छा, जब आपका सिलेक्शन हुआ इन तीन कंपनीज में, आपने अपने पेरेंट्स को भी बताया होगा, उनका क्या रिएक्शन था, कैसा फील कर रहे थे वो आपके लिए, आपके मम्मी पापा, आपके भैया?
यस सर, सर एवरीवन इज वेरी हैप्पी और सबको काफी प्राउड लग रहा था। और मतलब करियर स्टार्ट करना था मुझे भी, तो मैं भी काफी ज्यादा खुश था। और कॉस्टिंग प्रोफाइल मिल गई थी इसलिए काफी ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे कॉस्टिंग में ही अपना करियर बनाना था। ना ग्रेट है। और आपको एक काफ़ी अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी मिली है, तो आई थिंक आप काफ़ी अच्छे लेवल से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। आपको काफ़ी अच्छा पैकेज भी मिला है ऑफ कैंपस में, तो आई विल सजेस्ट यू कि जितना अच्छा आप एक्सपोजर ले सकते हो आप वहाँ से अच्छा एक्सपोजर लो अगले नेक्स्ट कुछ ईयर के लिए, बिल्कुल सर, और फिर आप आगे के बारे में आप डिसाइड करना क्या चीज़ें करनी है कैसे करनी है। अच्छा एक क्वेश्चन ये है, जैसे यस आपने सर, बताया कि आप एमपी से हो एंड आई थिंक कहीं ना कहीं सीएमए कोर्स की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा मार्केट में नहीं रही होगी जब आपने सीएमए कोर्स को ज्वाइन क्या होगा, राइट? क्योंकि जब मैंने सीएमए यस कोर्स सर, ज्वाइन किया था उस समय और बहुत कम लोग सीएमए कोर्स के बारे में जानते थे, और उस समय इंटरनेट भी इतना नहीं था कि हाँ हम सर, उतना ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं कोर्स के बारे में। तो आपने कैसे सीएमए कोर्स को आपने ज्वाइन किया? सर आफ्टर कंप्लीटिंग 12th तो CS CS में से कुछ करना है यही मुझे पता था। फिर आई रिसर्च इन इंटरनेट की ये दोनों कोर्सेज के अलावा मैं कुछ और कर सकता हूँ क्या, तो मुझे ICWA के बारे में इंटरनेट पे पता चला था। फिर मेरे भैया उस टाइम इंदौर में जॉब करते थे, तो उन्होंने फिर वहाँ इंदौर चैप्टर में जाके पता किया, और फिर आई डिसाइडेड टू ज्वाइन CMA। एंड इन 2016 आई क्लियर माई CMA फाउंडेशन। ओके, 2016 दिसंबर टाइम में यस सर, आपने अपना फाउंडेशन क्लियर किया था और आपकी सीएमए दिसंबर जर्नी में वहां से स्टार्ट हुई, ग्रेट। वहां से स्टार्ट हुई थी। यस सर, अच्छा सीएमए जर्नी में क्या आपके अटेम्प्ट्स भी लगे थे? क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये भी पॉइंट होता है, बहुत सारे बच्चों के अटेम्प्ट्स लगते हैं। यस सर, सर इंटर में तो एस एस मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगी, क्योंकि फोर्थ ग्रुप मेरा फर्स्ट सबसे पहले सिंगल ग्रुप ही दिया था मैंने इंटर में, और फोर्थ ग्रुप मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल फोर्थ गया नहीं था। सेकेंड, और सेकेंड ग्रुप, सॉरी सॉरी सर, मेरा सेकेंड ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया था, और फर्स्ट ग्रुप में मुझे दो अटेम्प्ट लगे थे। यस ओके सर, और उसके बाद तुरंत बाद फिर मैंने एक CA फर्म ज्वाइन करा था अपना ट्रेनिंग के लिए। ओके यस सर, ग्रेट। वहाँ पे यस आपने सर, कितने टाइम अपने सीए फॉर्म पे काम किया? वहाँ पे अराउंड 1 ईयर एंड 6 मंथ मैंने काम किया था, और काफी कुछ वहां से भी सीखने को मिला। और इंटर्नशिप के साथ में ही मैंने अपना फोर्थ ग्रुप भी क्लियर कर लिया था फाइनल का। ओके, इंटर्नशिप के साथ आपने एक ग्रुप फाइनल का क्लियर कर लिया। तो आपने पढ़ाई को कैसे यस सर, मैनेज किया अपने ट्रेनिंग के साथ? आपको टाइम मिल पा रहा था इतना कि आप मैनेज कर सकते थे? यस सर, एक्चुअली उस टाइम पे मेरा ऑफिस का टाइमिंग होता था मॉर्निंग 11 से इवनिंग में 6 तक, तो मैं सुबह उस टाइम जल्दी उठता था, 4-5 बजे उठ के अपना लेक्चर कंप्लीट करता था। ऐसा था कि जो मॉर्निंग का टाइम था वो मैंने लेक्चर्स के लिए रखा था, और ऑफिस से आने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए रखा हुआ था। तो ये था कि जब तक मुझे छुट्टी ऑफिस के टाइमिंग के साथ छुट्टी के पहले एग्जाम की लीव के पहले मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ फोर्थ ग्रुप का, तो वो मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। और फिर जब 1.5 महीने की मैंने लीव लिया हुआ था, और उस पर सिर्फ मैंने रिविजन और प्रैक्टिस ही किया था, तो फिर मेरा फोर्थ ग्रुप ऑफिस के साथ मैनेज हो गया था। ओके अच्छा, फाइनल में यस फिर सर, आपका जैसे आपने बताया एक ग्रुप आपने 1 अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, आपका ग्रुप फोर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था, तो जो ग्रुप थर्ड था क्या उसमें आपको चैलेंजेस आए या फिर वो भी आपने इजीली क्रैक कर लिया? नो सर, ग्रुप 3 ने तो मुझे काफी ज्यादा परेशान किया है, वो अभी ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एनिमी जैसा है। और मतलब आप सोचिए सर, मेरा दिसंबर 2019 में मेरा फोर्थ ग्रुप क्लियर हुआ था, और दिसंबर 2023 में थर्ड ग्रुप क्लियर हुआ है, तो बहुत ज्यादा टाइम लगा। और उसके एटलीस्ट बाद आई थिंक वो 4 to 5 अटेम्प्ट्स दिसंबर चला गया उसके अंदर ग्रुप 3 में। यस सर 5 अटेम्प्ट लगे, और दिसंबर 19 लास्ट एग्जाम था जो ऑफलाइन हुआ था, उसके बाद से कोविड आ गया था, तो एग्जाम ऑनलाइन हुए, और ऑनलाइन एग्जाम में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी स्कोर करने में, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट आपको फाइनल आंसर लिखना है, आपको स्टेप मार्किंग नहीं मिल रही थी, और अगर आपका फाइनल आंसर ही रॉन्ग है तो आपको मार्क्स नहीं मिल रहे थे, तो स्कोर करने में मुझे काफी डिफिकल्टी हो रही थी। और फिर जब ऑफलाइन में स्विच हुआ अभी, तब फिर जाके मेरे स्कोर बढ़ना शुरू हुआ, और फिर अभी दिसंबर 23 में मेरा एग्जाम क्लियर हो कर पाया। ओके ग्रेट। सो अच्छा, आपने आपके जब अटेम्प्ट्स लग रहे थे तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट जरूर आया होगा कि आप काफ़ी डिमोटिवेटेड फील हुए होगे और आप सोचो कि क्या करूँ या फिर मेरी लाइफ कहाँ मुझे लेके जा रही है, ऐसा कभी कोई पॉइंट हुआ था आपके जर्नी में? यस सर,
जब मुझे मल्टीपल अटेम्प्ट लग रहे थे, तो 2-3 अटेम्प्ट के बाद तो मुझे ये हो गया था कि अब मुझे जॉब करना है, अब कहीं मुझे काम करना है, और अब मैं जॉब के साथ ही सीएमए करूंगा। तो वो एक और बड़ी गलती एक मैंने कर दिया था जो मैं बोलना चाहूंगा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हो और ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, तो आपको आपकी पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए डेडिकेटेडली, और उस टाइम पे जॉब का नहीं सोचना चाहिए। तो बीच में मैं फिर एक और फॉर्म ज्वाइन कर लिया था जॉब ट्रेनिंग के लिए, दोबारा से वहां पे मैं काम कर रहा था। फिर उसके 6 महीने बाद फिर एक कंपनी ज्वाइन कर लिया था, वहां पे जॉब करने लगा फुल टाइम। तो उस चक्कर में फिर पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिल रहा था, और मेरे फ्रस्ट्रेशन फिर और ज्यादा बढ़ रही थी कि अब पेपर क्लियर नहीं होगा, कैसे प्रिपरेशन ही नहीं होगा। तो ये अटेम्प्ट के जो जून 23 वाला अटेम्प्ट था, उस टाइम पे मैं एक ऑलरेडी एक कंपनी में जॉब कर रहा था। फिर जब रिजल्ट उस टाइम पे काफी लेट आया था, सितंबर में जून 23 का रिजल्ट आया था, एग्जाम भी शायद जुलाई में हुए थे और रिजल्ट भी लेट आया था उसका। और फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला कि यू शुड क्विट योर जॉब, और जो 2-3 महीने वो डेडिकेटेडली अगर तू पढ़ाई करेगा तो तेरा हो जाएगा क्लियर। तो फिर मैंने इमिडिएटली वो जॉब छोड़ के अपने घर आ गया था वापस, और 2 महीने की प्रिपरेशन में फिर मैंने अपना थर्ड ग्रुप फाइनली एक क्लियर करा ओके, था। ग्रेट। तो जब फाइनल जब आप सीएमए बने, जिस दिन आपका रिजल्ट आया, उस दिन आपके मम्मी पापा और आपका क्या रिएक्शन रहा? सर जैसे ही मुझे एक दिन पहले पता चल गया था नेक्स्ट डे 21 फेब को रिजल्ट आने वाला है, और मॉर्निंग में एक नोटिफिकेशन कोई ना कोई इंस्टीट्यूट के जो मेंबर है वो इतना क्लियर कर देते हैं कि बाय व्हाट टाइम वी कैन एक्सपेक्ट। तो मुझे ये था कि 9 बजे रिजल्ट आने वाला है, तो मैं 8:30 बजे कंप्यूटर के सामने बैठ गया था, और फिर फोन पे एक नोटिफिकेशन आ गया था कि रिजल्ट आउट हो चुके। फिर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, और जैसे ही क्लिक किया तो नीचे सबसे पहले तो मैंने देखा कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है, और वो ही देख के मैं अपने रूम से दौड़ के गया पापा के पास और उनको बताया कि मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है, और बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर पेरेंट्स को बताया, भाई लोगों को कॉल करके बताया, उसके बाद फिर तब जाके फिर मैंने देखा कि अब देखता हूँ मार्क्स कितने आए, वो बाद में देखा। फिर मैंने जाके ये भी नहीं देखा था कि मार्क्स कितने आए, बस कॉन्ग्रेचुलेशन देख के बहुत ज्यादा खुश हो गए थे सब। तभी काफी खुश थे क्योंकि अटेम्प्ट मुझे बहुत ज्यादा लग गए थे, तो ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन हो ही जाता है। या डेफिनेटली। तो उसके बाद फिर आपके लिए कैंपस का चैलेंज था, और आपको लाइक जिसने मुझे रेफर किया कि आप जाओ रोहन सर के पास जाके आप क्लासेस लो, तो आपको कैसा लगा उनका रेफरेंस और जब आपने मुझे ज्वाइन किया? यस सर, उनका भी रेफरेंस अच्छा था। एक्चुअली उनने आपका जॉब से जॉब ओरिएंटेड ही कोई कोर्स ज्वाइन किया था कि हाउ टू सिक्योर जॉब, ऐसा करके कोई आपका कोर्स उन्होंने ज्वाइन किया था। और उसके बाद उन्होंने भी एक इंदौर में केमिकल कंपनी में जॉब स्टार्ट किया था, और अभी वो नोएडा में एक एमएनसी में वो भी जॉब कर रही है। शी इज एमबीए ग्रेजुएट, और उसी ने मुझे आपका रिकमेंड किया था कि रोहन सर का वीडियो आप देख सकते हो। ओके, ग्रेट ग्रेट। चलो अच्छा लगा कि यस जिन्होंने सर, आपको रेफर किया था वो भी काफी अच्छी जगह पहुंच गए हैं और आप भी काफी अच्छी जगह पहुंच गए हो। एंड बस सजेशन यही यस रहेगा सर, कि लाइफ में आगे बढ़ते रहो और अपने यंग जनरेशन को जितना आप सपोर्ट कर सकते हो, अपने साइड से अगर कुछ हेल्प कर सकते हो यस तो आप सर, करो, बिकॉज ये काफ़ी ज़रूरत है डेफिनेटली सर, सीएमए कोर्स के लिए। और थोड़ा सा कोर्स के अवेयरनेस के ऊपर भी हम पर्सनली लेवल पे हमें काम करना चाहिए, हम सबको जितना भी हम हेल्प कर सकते हैं बता सकते हैं, आप अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली को, अपने कोर्स के बारे में, अपने रिलेटिव्स को हमें बताना चाहिए। यस सर, बिल्कुल सर। बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपका ट्रेनिंग हो गया है तो आप जॉब के पीछे मत भागो, आप अपना पेपर क्लियर करने के लिए ही पूरा फोकस करो। बिकॉज भले ही टाइम लगेगा, बट अगर ये क्लियर हो जाता है तो आपका पूरा लाइफ आपका अच्छे से स्मूथली निकलेगा। अच्छा, और आप काफी सारे स्टूडेंट को लगता है कि हमारा एज हो रहा है तो उसका एक टेंशन बना लेते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लेट क्लियर करते हैं पर अभी वो अपने लाइफ में काफी अच्छा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली। उतना अच्छा, टेंशन लेने नहीं चाहिए। एक यस क्वेश्चन सर, और भी है मेरा। आप आपके लर्निंग से, आपके लाइफ की जर्नी से, आप स्टूडेंट्स को, जैसे आपने एक बताया कि जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए तो उन्हें फिर से जॉब के लिए नहीं जाना चाहिए, पहले एग्जाम पे फोकस करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दिस क्या क्या यस सर, चीजें हैं जो उनको पढ़ाई के टाइम करनी चाहिए जिससे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? लाइक स्पेशली जैसे यस प्रैक्टिकल सर, सब्जेक्ट्स सर हो गए, हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हो गए, उसमें क्या स्ट्रेटेजी वो फॉलो करे और एग्जाम को कैसे मैनेज करे?
कि उनका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। यस सर। सर पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप अगर फाइनल में हो तो आप क्लासेस, आप सेल्फ स्टडी, बहुत सारे लोग हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बोलते हैं कि हम सेल्फ स्टडी से कर लेंगे, फिर इस चक्कर में अभी अटेम्प्ट लग जाते हैं काफी बार। और जैसे SFM वगैरह के जो सब्जेक्ट हैं वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, तो अगर आप स्टार्टिंग से ही, जब क्लास स्टार्ट हो जाए स्टार्टिंग से ही आप चैप्टर वाइज फॉर्मूले आप प्रिपेयर रखो, तो आपको एग्जाम के टाइम पे हेल्प होगी और रिवीजन भी आपका जल्दी से हो जाएगा। और जैसे सर थ्योरी सब्जेक्ट भी आप स्टार्टिंग से ही डेली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कंसिस्टेंसी रखना काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि कोई वीक सब्जेक्ट है तो उसकी आप क्लासेस ले लो। मेरे साथ ऐसा था सर कि मैंने कॉस्टिंग की सेल्फ स्टडी कर लिया था, बट फिर बाद में मुझे अटेम्प्ट लगे और फिर तब जाके फिर मैंने उसका क्लासेस लिया और फिर ही क्लियर हुआ मेरा। और स्कोर मेरा कॉस्टिंग में अराउंड 20-23 ही रह रहा था हर बार, फिर जब क्लासेस लिया तो वो सीधा 54-55 पहुंच गया, तो काफी फर्क पड़ जाता है। हमें लगता है हम कर लेंगे बट पेपर में फिर वो घुमा के ही क्वेश्चन देगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, और फिर अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डिफिकल्टी होती है फिर। ओके ग्रेट, थैंक्स कि आपने काफ़ी सारे टिप्स यस सर, स्टूडेंट्स को शेयर की, अपनी जर्नी शेयर की। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, यस आप सर, लाइफ में काफ़ी अचीवमेंट लेते रहो, आगे बढ़ते रहो, और कभी कुछ लगे तो आप मुझे याद कर थैंक सकते यू हो, सर, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। डेफिनेटली सर। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि आपका जो कोर्स था उससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प हुई ऑफ कैंपस जॉब सिक्योर करने में भी, और आपका कोर्स काफी अफोर्डेबल भी है, मैं तो ये भी बोलूंगा, उतना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं था, तो काफी अच्छा लगा मुझे आपके साथ। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। ओके थैंक यू सर, बाय सर।